दर्द होता है जब अपना कोई पीछे से वार करता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई हमारी वीडियो को डाउनलोड कर उसके चैनल पर अपलोड कर लेता है या फिर हमारी कुछ पार्ट ऑफ दी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर लेता है एडिट करके, तो किस तरीके से आप उसके अगेंस्ट कॉपीराइट फाइल कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ और शुरू करते हैं। जिस भी वीडियो को आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देना है पहले आपको उस वीडियो पर क्लिक करना होगा। फॉर एग्जांपल इस वीडियो को हमें कॉपीराइट स्ट्राइक देना है तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर आप थ्री डॉट्स को देख सकते हो, आपको उन पर क्लिक करना है और आपको रिपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करके आप कई सारे ऑप्शंस देख सकते हो, आपको क्लिक करना है इन्फ्रिंजेस माय राइट्स पर। इन्फ्रिंजेस यानी कि ब्रेक्स दी लॉ, यानी कि कोई अगर लॉ को ब्रेक कर रहा है तो हम उनके अगेंस्ट रिपोर्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके। अब सिलेक्ट वन पे आपको क्लिक करना है और आपको सिलेक्ट करना है इन्फ्रिंजेस माय कॉपीराइट। तो ये मैंने इन्फ्रिंजेस माय कॉपीराइट पर क्लिक कर लिया है। अब आपको क्लिक करना है सबमिट पर। सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा, आपको वहां पर सबमिट अ कॉपीराइट कंप्लेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इस पे टिक करना है दैट यू आर नॉट अ रोबोट और उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इशू, तो आपको टिक करना है कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट हु इज अफेक्टेड, तो आप खुद अफेक्ट हो रहे हो तो आपको आई एम पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वीडियोस टू बी रिमूव्ड उसका यूआरएल देना है, तो आप वही वीडियो पर जा सकते हो फिर से, यहाँ से उसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द वर्क एलिजिबली इन्फ्रिंज्ड, प्लीज सिलेक्ट ऑन, और आपको कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपको सिलेक्ट करना है माय यूट्यूब वीडियो वाज रीअपलोडेड बाय अनदर यूजर। इस तरीके से आपने उसे सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द यूट्यूब यूआरएल ऑफ माय ओरिजिनल वीडियो, तो आपको अपने चैनल पर जाना है। फॉर एग्जांपल ये वो वीडियो है जिसको उन्होंने रीअपलोड की थी, तो हम उस वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से उसका यूआरएल ले सकते हैं और यहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे। वेयर डज द कंटेंट अपियर, एंटायर वीडियो या टाइम स्टैम्प, तो उन्होंने अपनी पूरी वीडियो ले ली है तो हमें एंटायर वीडियो पर क्लिक करना है। उसी तरीके से अगर कुछ स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प के बीच में उन्होंने अपनी वीडियो ली है तो आप टाइम स्टैम्प को सिलेक्ट कर वो टाइम स्टैम्प दे सकते हो, या फिर किसी ने हमारी थंबनेल को कॉपी कर लिया है तो आप यहाँ पर थंबनेल को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपीराइट ओनर नेम, तो यहाँ पर हमें हमारा नाम दे देना है। अथॉरिटी टू मेक दिस कंप्लेंट, यहाँ पर आपको अपना नाम रिपीट कर देना है। यहाँ पर प्राइमरी ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी जिस चैनल से आपने लॉगिन किया होगा। राइट साइड पर आप देख सकते हो योर फुल लीगल नेम, अ फर्स्ट एंड लास्ट नेम नॉट अ कंपनी नेम, तो यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हो। स्ट्रीट एड्रेस में आपको स्ट्रीट एड्रेस दे देना है, सिटी, स्टेट, जिप, कंट्री विड बी इंडिया, फोन नंबर दे देना है। तो इस तरीके से इन डिटेल्स को फिल करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। यहाँ पर नीचे आपको पांच बॉक्सेस दिख रहे हैं, उस पर आपको टिक करना है। ये कह रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो एक्यूरेट है, आप मिसयूज नहीं कर रहे हो कॉपीराइट टूल का, और आपने जिस भी वीडियो को अगेंस्ट कॉपीराइट क्लेम की है उसकी ओरिजिनल वीडियो आप ही की है। यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है टाइपिंग योर फुल नेम इन दी बॉक्स विल एक्ट एज योर डिजिटल सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको नाम टाइप कर देना है अपना। यहाँ पर आपको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है और सबमिट कंप्लेंट पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्टली वो पेज आ जाएगा जहां पर लिखा होगा कि थैंक यू फॉर सबमिटिंग द रिक्वेस्ट, और उन्हें अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी तो वो आपको ईमेल के द्वारा कॉन्टेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप फाइल कर सकते हो कॉपीराइट कंप्लेंट किसी भी वीडियो के अगेंस्ट। इन डिटेल कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, कॉपीराइट रूल्स क्या है, उसको लेकर मैंने वीडियो बनाई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हो।